पूर्णिया जिले के 66वें वार्षिक अधिवेशन के अंतिम दिन प्रवचन करते हुए संतमत के वर्तमान प्रधानाचार्य महर्षि चतुरानंद जी महाराज ने कहा कि आत्मा से परमात्मा को जोड़ने की कला को ही योग कहते हैं, जीवन जीने की कला को ज्ञान कहते हैं, सांसारिक जीवन ज्ञान से जिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ज्ञान प्राप्त हो जाने से शांति मिलती है, ज्ञान सुख साधन का माध्यम है। यह शरीर क्षेत्र यानी कि खेत है, शरीर रूपी खेत में हम लोग पाप पुण्य के बीज बोते हैं, जैसा बीज बोते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मज्ञान हो जाने से परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। सांसारिक ज्ञान और आत्मा का ज्ञान दोनों जरूरी है, आत्मा ही परमात्मा है। योग का अर्थ है जोड़ना, आत्मा से परमात्मा को जोड़ने की कला को ही योग कहते हैं। अध्यात्म में ध्यान का बहुत बड़ा ही महत्व है, ध्यान से श्वास की गति धीमी हो जाती है। ध्यान की शुरुआत जाप और एक तक देखने से शुरू करना चाहिए। बिंदु ध्यान और नाद ध्यान का संतमत में विशेष महत्व है। जीव जब परमात्मा से मिल जाता है तो सब दुख खत्म हो जाते हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण शरीर का भाग है, आसक्ति ही दुख का कारण है। शरीर से जीवात्मा निकल जाने से आसक्ति खत्म हो जाती है। आवागमन के चक्कर से छुटकारा पाने के लिए प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। मंजासीन स्वामी रामलाल ब्रह्मचारी जी महाराज, स्वामी धैर्यानंद जी महाराज, स्वामी लालानंद जी महाराज, स्वामी दयानंद जी महाराज, स्वामी शाही सरद जी महाराज, भगवतानंद महाराज, शिवानंद बाबा, अशोक बाबा, विप्रानंद बाबा, निरंजन बाबा, युगलानंद बाबा ने अपने ओजस्वी प्रवचन से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। सत्संग पंडाल में दो दिनों तक ज्ञान गंगा प्रवाहित होती रही, जिसमें संत संगियों ने गोते लगाए। इस दो दिवसीय अधिवेशन में 25,000 सत्संग प्रेमियों ने भाग लिया। पंडाल सत्संगियों से भरा रहा। श्री सद्गुरु महाराज के जय घोष से वातावरण गूंजमान रहा। आयोजन समिति ने सत्संगियों और संतों के लिए अच्छी आवास और भोजन की व्यवस्था की थी। सभी आगंतुकों ने व्यवस्था की भूरी भूरी प्रशंसा की। 66वें जिला वार्षिक अधिवेशन अपने आप में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक रहा।